आज वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आपको एक हॉस्टल अलॉट हो चुका है तो आपको कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं आपको हॉस्टल में जाने के बाद। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले कि अगर आपको एक हॉस्टल अलॉट हो चुका है तो सबसे पहले आपको एक रूम दिया जाएगा। अगर आप 2-सीटर रूम सेलेक्ट कर रखे हो तो आपको उसके अंदर 2 बेड सेपरेटेड मिलेगा, एक आपका होगा एक आपके पार्टनर का होगा, ठीक है। उसी तरह आपको एक टेबल मिलेगा, एक चेयर मिलेगी, 2 कवर्ड मिलेंगे सेपरेटेड आपको। उसके बाद आपको एक कॉमन वॉशरूम आपको यूज करना पड़ेगा सबके साथ, जितना आपका आपके फ्लोर पे जितने बंदे हैं उसके साथ आपको अपना वॉशरूम शेयर करना पड़ेगा। अगर आपको यार हॉस्टल के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप आई बटन में जाके मेरे वीडियो देख सकते हो, उसके ऊपर मैंने काफी डिटेल में बना रखा है कि कैसे कैसे हमारे हॉस्टल में क्या क्या चीजें दी जाती हैं, कैसे कैसे होता है, ठीक है। उसी तरह आपको अगर आपने हॉस्टल ले रखा है तो आपको हॉस्टल के अंदर ही आपको एक मैस दिया जाएगा, उसके अंदर आपको फूड वूड जो भी होता है सारा सर्व किया जाता है। अगर आप मैस के ऊपर चाहते हो कि क्या क्या फूड आपके कॉलेज में मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, आप जा सकते हो डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे जाके आप चेक कर सकते हो वीडियो को। उसके बाद आपको एक कॉमन जिम मिलता है, ठीक है, आपके हॉस्टल में आप रह रहे हो तो आपको ये मतलब कि एक फीचर आपको प्रोवाइड किया जाता है कॉलेज या फिर हॉस्टल की तरफ से, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में यार क्या है कि आप उसको 24 आवर कभी भी जाके प्ले कर सकते हो, खेल सकते हो, जैसे चाहते हो वैसे यूज कर सकते हो प्लेग्राउंड में। तो यार प्लेग्राउंड में अगर आपको हॉस्टल के अंदर देखा जाए तो 3-4 प्लेग्राउंड होते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये सारे प्लेग्राउंड आपके हॉस्टल के अंदर ही होते हैं। उनको आप कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हो, खेलने में, दौड़ने में, या फिर एक्सरसाइज करने में, कैसे भी आप यूज कर सकते हो उन प्लेग्राउंड में जाके। और उसके बाद आपको मिलता है लाइब्रेरी। आपको लाइब्रेरी क्या होती है कि सबकी कॉलेज की अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे मैं अपने कॉलेज की बात कर लूँ तो मेरे कॉलेज की क्राइटेरिया ये है कि कॉलेज का टाइम होता है 5 बजे बंद होने का, उसके बाद मेरा 4 घंटे और एक्स्ट्रा लाइब्रेरी चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो यार ये सब डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि वो कैसे अपने कॉलेज का शेड्यूल बना रखा है कैसे चलने का। तो मैं अपने कॉलेज के बता रहा हूँ कि मेरा 4 घंटे एक्स्ट्रा चलता है कॉलेज टाइम के बाद। और सबसे ज्यादा तो यार बेसिकली यूज कब आता है हमारा लाइब्रेरी का, जब पेपर वाले टाइम होता है तभी जाकर सबसे ज्यादा यूज आता है हमारा लाइब्रेरी का, बाकी सारे दिन बंद रहती है लाइब्रेरी, उसमें कोई नहीं जाता। आपको 2 तरह की सिक्योरिटी मिलती है। सबसे पहले तो आपको यार एक सेल्फ सिक्योरिटी मिलती है। सेल्फ सिक्योरिटी में क्या होता है, जैसे कि आप गार्ड होते हैं, कहीं कहीं पर बैठे होते हो, आपको मतलब कि एक तरह से सिक्योरिटी कर रहे होते हैं कि बाहर से कोई आए ना जाए ना, कैसे क्या आप कर रहे हो, तो उन सब की सिक्योरिटी एक सेल्फ गार्ड करता है। और दूसरा आपको मेडिकल सिक्योरिटी मिलती है। मेडिकल सिक्योरिटी में क्या होता है कि आपको अगर आप मतलब कि किसी तरह से इंजर्ड हो गया, आपकी फीवर हो गया आपको, तो कॉलेज वालों की हॉस्टलर्स वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको हॉस्पिटल तक लेके जाएं। तो 2 तरह की ये सिक्योरिटी हो गई आपको। तो भाइयों ये सारे फीचर्स थे हॉस्टल में जाने के। अगर आप यार डोंट वरी अबाउट दैट कि आपके कॉलेज में ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, वो यार एक फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज इंडिया में कौन से रैंक पे आता है, तो उस चीज पे भी काफी सारी चीजें डिपेंड कर जाती हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि मेरे कॉलेज में ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, तो यार ये सब थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको अगर नहीं मिल रहा तो। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज यार चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो कि उन्हें भी अवेयरनेस हो जाए इन सब चीज़ों को लेके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और उसके बाद हम बात कर ले तो आपको